अस्सलामुअलैकुम। 2 दिन पहले मैंने एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें मैंने दुआ ज़ैरा और ज़हीर के हक में लिख दिया था। मुझे तब तक बिल्कुल पता नहीं था कि ये किडनैपिंग का किस्सा है और दुआ ज़ैरा अंडर एज है। मैं दुबई में थी और दुबई में मैं वेकेशंस पे थी, मैं पाकिस्तान में नहीं थी। तो मेरे पास शायद थोड़ा टाइम था, मैंने देखा और फिर कुछ यूट्यूबर्स की चीज़ें मैंने देखी, इनके कुछ इंटरव्यूज देखे, मैंने परसेप्शन बना लिया जो कि गलत था। सॉरी करने में कोई मजायका नहीं है और सॉरी करने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। मेरे बड़े सारे फैंस हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, और आवाम से ही स्टार होता है और आवाम को नाराज करना ये मुझे नहीं आता और मुझसे नहीं होता। तो आई एम सॉरी अगर आप लोगों को मेरी तरफ से तकलीफ पहुंची है, इनफैक्ट मुझे भी पहुंची है। जब मुझे पता चला कि दुआ ज़ैरा का केस क्या है, जब मानी ने मुझे सारा बताया, बिठाया, दिखाया, तो मैं काफ़ी परेशान हो गई उनके पेरेंट्स के लिए कि किस कर्ब से वो गुजरे होंगे। और डेफिनेटली मैं भी एक बेटी हूं और मुझे पता है कि जब मैं परेशान होती थी या अभी मैं हूं परेशान, तो मेरे अब्बू होते तो वो भी कितने परेशान होते मुझे ऐसे देख के। मुझे बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब वीडियो नहीं बनाओ, बात नहीं करो, बट क्योंकि मैं बहुत नेचुरल हूं और मैं वन टू वन बात करना चाहती हूँ अपनी आवाम से, अपने लोगों से। जो मेरे करीबी लोग भी हैं, उन्होंने भी जब ये पढ़ा तो वो भी मुझसे नाराज हुए और उन्होंने कहा ये तुम्हें नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि तुम्हें पता नहीं था। और मुझे वाकई नहीं पता था। और मुझे पता है कुछ लोग अभी ये भी बोलेंगे कि हीरा मानी रो रही थी और फलाना थी, और कोई बात नहीं, आप लोग बोल रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि सॉरी करने में कोई मजायका नहीं है। सॉरी करने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। और इंसान जिस भी ओहदे पे हो, अगर उसने गलती की है तो उसको माफी मांगनी चाहिए। तो मैं माफी मांगती हूँ आप सबसे और दुआ ज़हरा के पेरेंट्स से, जिस कर्ब से वो गुजरे हैं, जिस कर्ब से वो गुजरे होंगे मुझे अब अंदाजा हुआ, क्योंकि मैंने उस वक्त यूट्यूब की कुछ चीजें देखी और कुछ न्यूज चैनल्स पे उनके इंटरव्यूज देखे और मुझे लगा कि ये चीज सही है, लेकिन ये मेरी गलती थी। ये मेरी, समझ लें, नॉलेज में थोड़ी कमी थी और मैंने इमोशनली जज्बाती होके वो बात लिख दी। एक्टर भी तो हूं ना, तो जज्बात भी बहुत है अंदर, लेकिन जज्बात ठीक जगह इस्तेमाल करने चाहिए, जो कि मैं करती भी हूँ। आप लोगों ने देखा, कभी चैरिटी हो, किसी की हेल्प करनी हो, मैं हमेशा आगे रहती हूँ। कोविड में मैंने बड़ी ये चीज़ें की हैं, लोगों के लिए अवेलेबल रही हूँ और मैं हूँ उस तरह की इमोशनल सेंसिटिव। तो हो गई गलती मुझसे, मैं भी इंसान हूँ ना, सबसे पहले तो मैं इंसान ही हूँ ना। सेलिब्रिटी, स्टार, माँ, बेटी, बहन, इन सबसे पहले तो मैं एक इंसान हूँ, तो इंसान से गलती हो जाती है और मुझसे गलती हुई है। और मुझे सॉरी करने में मुझे बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं हो रही है, क्योंकि सॉरी करना चाहिए जब आप गलत हों। और मैं गलत हूँ, अभी मैं चाइल्ड मैरिज के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं डेफिनेटली किडनैपिंग के हक में कैसे हो सकती हूँ। मतलब ये लोग जो इतना ज्यादा जाके मेरे बारे में लिख रहे हैं, मुझे इस चीज से भी बड़ा दुख है। तो आमिर याकर के बाद देखें मुझे ऐसी वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि मैं गलत थी और बस मैं गलत थी, मुझसे गलती हो गई और मैं काफी परेशान भी हूँ। 2 दिन से मैं आई हूँ पाकिस्तान, मैं कराची आई हूँ, मैं किसी से भी नहीं मिली और मेरे फ्रेंड्स जो अभी मेरी फैमिली मुझे जो सपोर्ट कर रही है, उन सब ने मुझे कहा कि तुम्हें आवाम से डायरेक्ट बात करनी चाहिए। और बस मैंने इसलिए आप लोगों से डायरेक्ट बात की और दुआ ज़हरा के पेरेंट्स से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मैंने ये गलत पोस्ट डाली। और प्लीज़ आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। अल्लाह ताला दुआ ज़हरा को, उसके पेरेंट्स को, उसकी फैमिली को अपनी हिफाजत में रखे और हर बेटी को और हर बहन को, हर लड़की को अपनी हिफाजत में रखे।